वायरस एक ऐसा नाम जिसको सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। पूरे विश्व में अनगिनत लोगों को अपने आगोश में लेने वाला कोरोना वायरस का नाम सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। वहीं तीन लहरों से दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डर के साए से अभी तक लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फिर से एक बार कोरोना वायरस ने अपने सब वेरिएंट के साथ दुनिया में दस्तक दे दी है। इस नए सब वेरिएंट का नाम JN.1 है। इस नए सब वेरिएंट JN.1 के केस दुनिया के 40 देशों में सामने आ चुके हैं, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के बारे में कहा जा रहा है कि इसका सबसे पहला केस अगस्त में लग्जमबर्ग में मिला, उसके बाद धीरे धीरे ये 36 से 40 देशों में फैल गया। वहीं WHO के मुताबिक JN.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले आसानी से फैलता है। JN.1 को पहले इसके मूल वंश BA.2.86 के हिस्से के रूप में बांटा गया था, लेकिन WHO ने इसे अलग प्रकार के तौर पर बांट दिया है। वहीं इस वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादा जोखिम पैदा नहीं करता। WHO का कहना है कि मौजूदा टीके JN.1 और COVID-19 वायरस के दूसरे वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और मौत की रोकथाम जारी रखेंगे। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। फिलहाल भारत में कोविड संक्रमण के 2300 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं नए सब वेरिएंट JN.1 की बात की जाए तो इसके 21 मामले सामने आए हैं। कोविड के कारण 2 हफ्तों में देश में 16 मौतें हो चुकी हैं। ये लोग पहले से कई बीमारियों से ग्रस्त थे। वहीं भारत में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के 614 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 21 मई के बाद से सबसे ज्यादा हैं। बुधवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के एक्टिव केस बढ़कर 2311 हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान केरल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 5,33,321 हो गई है। अब तक भारत में कोरोना के 4.50 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया है कि अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।